हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएस फियर में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील शुक्ला फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी साथ। दोस्तों, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत पसंद करते हैं खाने में, जिनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सभी जो है अपने शरीर को बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ का अगर देखा जाए इनके बहुत छोटे मोटे जो है एडवांटेज भी हैं, बट ज़्यादातर इनका डिसएडवांटेज है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। जब खाते हैं बहुत सारे उसमें फॉरेन पार्टिकल्स या जो बैक्टीरिया, फंगस हैं वो सब हो सकते हैं, वो हाइजीनिक नहीं होता, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। उसके साथ साथ जब उसको खाते हैं दोस्तों, तो हम घर पे खाना बिल्कुल नहीं खाते, जो हेल्दी खाना है घर का वो हम नहीं खा पाते। धीरे धीरे जो है आपका भूख का जो एपेटाइट है वो डाउन हो जाएगा और हम जो है घर का खाना बिल्कुल कम कर देंगे। धीरे 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 हमारे शरीर में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट नंबर क्या प्रॉब्लम शुरू होगी दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर तो आपका जो है लीवर ख़राब हो सकता है, क्योंकि हम बाहर जो खाएँगे वो जो है रिफाइंड शुगर या रिफाइंड ऑयल्स ज़्यादा यूज करेंगे, या कई बार जो है चीज़ें जो है बासी होती हैं। बासी खाने के बारे में दोस्तों पहले ही अपनी वीडियो बता चुका हूँ, जिसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो कभी कभी बासी होता है, अब हम तो देख नहीं रहे हैं कि क्या कैसे बना रहे हैं, उसको बार बार वही रिफाइंड करके या उसी को फिर से तल करके उसको दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो है बॉडी की जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसकी वजह से दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर तो बॉडी में जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ जो हार्ट की बीमारियां हैं वो सारी जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और उसके साथ साथ डायबिटीज़ बढ़ता है, डायबिटीज़ के साथ साथ हमारे शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, यानी बॉडी का जो है वेट गेन शुरू हो जाता है। वेट गेन होने से फैट बढ़ता है, फैट बढ़ने से दोस्तों बॉडी में बहुत सारे नुकसान पहुँचते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से जो है हार्ट के लिए बहुत सारे नुकसान पहुँचते हैं। और डाइजेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों, हम खाते हैं तो इसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा ऑयल होता है कि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, और उसमें क्योंकि जो है फाइबर्स होते नहीं, फाइबर्स नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर तरीके जितना जैसे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, और डाइजेस्ट नहीं होता दोस्तों। इसमें जो है बहुत सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स पाए जाते हैं, जो हमारे ब्रेन को जैसे माइग्रेन को इंड्यूस करते हैं बहुत सारे। उसके साथ साथ इसमें जो फास्ट फूड में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो पेट के कैंसर के लिए भी कैंसर को बढ़ाने में योगदान करते हैं अपना। और दोस्तों बात किया जाए कि और सारे इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे हम खाते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स जो हैं, टेस्ट बड्स जो हम ये फास्ट फूड खाते हैं या चाउमीन या चाइनीज जो भी खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, उसमें क्या होता है साल्ट ज़्यादा होते हैं। साल्ट ज़्यादा होने से जो टेस्ट बड्स हैं ये टेस्ट बड्स धीरे 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 अपना काम करना बंद कर देते हैं, और ये जो है जो इसमें साल्ट होते हैं ये जो है बॉडी में रिटेंशन इनका हो जाता है साल्ट का। साल्ट का रिटेंशन होने से आपके जो है किडनी की समस्या आ जाती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, और आपका जो यूरिन का जो यूरिनरी सिस्टम है वो डैमेज होता है। तो यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम लगभग जो है पूरा डैमेज हो जाते हैं। उसके साथ साथ मेमोरी, जब आपकी बॉडी में जो है ज़्यादा फैट बढ़ जाता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, कम होने की वजह से जो है आपका जो है ब्रेन काम करना बहुत कम कर देता है, क्योंकि जितना ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए आपके ब्रेन को चाहिए उतना नहीं मिल पाता। और धीरे धीरे दोस्तों जो बॉडी का आपके जो है इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो धीरे 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 वो डैमेज हो जाता है। इस वजह से क्या होगा दोस्तों कि आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे जो है हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, फैट बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो आपको क्या होगा। और साल्ट रिटेंशन से एक चीज़ और प्रॉब्लम आएगी, आपकी बॉडी का इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन बढ़ने से जो है स्वेलिंग बॉडी में आ सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको जो है कभी कदा खा सकते हैं, लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं रहना है। ऐसा देखा गया है कि 30% लोग जो है फास्ट फूड यानी जंक फूड पे डिपेंडेंट हैं, जो खाना खाते ही नहीं सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। खासकर आजकल जो नई पीढ़ी है बच्चों की, वो जो है फास्ट फूड ही खाना चाहते हैं या जंक फूड ही खाना चाहते हैं जी दोस्तों। और
जैसा पहले बोला कि नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ इसके जो है बेनिफिट्स भी हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे फास्ट फूड या जंक फूड हैं उसमें जो है चॉकलेट डाली जाती है, ब्लैक चॉकलेट, वो फ़ायदा करती है, वो जो है मेमोरी में जो है बूस्ट करती है। जो दुबले पतले हैं इसमें हाई कैलोरी होता है, हाई कैलोरी की वजह से दोस्तों क्या होता है कि उनका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, बॉडी वेट बढ़ने से उनका जो है बॉडी का वेट गेन शुरू हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़्यादा ओवर वेट नुकसानदेह है। ये थोड़े बहुत फ़ायदे थे, बाकी दोस्तों ज़्यादा तो उसमें नुकसान है। और इसका ये फ़ायदा है कि ये जल्दी तैयार हो जाता है और कम पैसे में ही काम हो जाता है। जहाँ आप ऑर्गेनिक फूड अगर खा रहे हैं वो आपको जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से बेनिफिशियल हैं बट कॉस्टली हैं। तो हर एक को अवेलेबिलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं कि अवेलेबल हो जाए, इसलिए दोस्तों जंक फूड जो है उनके लिए अच्छा है। अगर देखा जाए स्पेशली किसी अगर स्टेट की बात किया जाए, बड़ा पाव बहुत फेमस है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बड़ा पाव खा कर ही रहते हैं, खाना को प्रेफर कम करते हैं। खासकर नई पीढ़ी है ये जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करती है। अब देख लीजिए दोस्तों रोड के साइड में बहुत सारे जंक फूड लगे पड़े रहते हैं, उनको खाते हैं, उसमें बाहर के डस्ट, अब डस्ट के साथ साथ बहुत सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो उसके अंदर पड़ जाते हैं, और जब हम उसको खाते हैं उसकी वजह से डायरिया और डिसेंट्री, उसके साथ साथ एस्केरियासिस, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों जंक फूड आपको बहुत कम से कम खाना है, अवॉइड ही करना है, इससे जो है आपके बॉडी को जो है बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है स्वस्थ रहिए और हेल्दी भोजन करते रहिए, हेल्दी भोजन करिए, बाहर की चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। तो दोस्तों आज इसी के साथ विदा लेते हैं, तब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।